मैंने देखा कि 1861 का पुलिस एक्ट आया क्यों, मैं हमेशा क्यों पूछता हूँ, क्या तो जी पढ़ के रट लेंगे, क्यों आया 1861 में? इसलिए आया क्योंकि 1858 में कंपनी के हाथ से बागडोर गई, किसके हाथ? महारानी के, महारानी विक्टोरिया के हाथ जी। तो सबसे पहली चीज उनको क्या करनी थी, कंट्रोल। उसके लिए उन्होंने लाया 1860 का इंडियन पीनल कोड, लॉर्ड मैकॉले ने लिखा है, अभी आया है नया पीनल कोड जो अभी इस सरकार ने पारित किया है, आपने पढ़ा होगा, भारतीय न्याय संहिता जिनकी, बिल्कुल उस पे लेख हैं हमारे फेयर ऑब्जर्वर पे, महेश शेठ मलानी जो एमपी हैं उन्होंने लिखा है, पुलिस के आदमी को बंधुआ मजदूर बनाने को कि कभी दोबारा बागी बने ही नहीं। मैंने देखा कि यार हम कर क्या रहे हैं, भूरा गोरा अंग्रेज चला गया, उसकी जगह एक भूरा अंग्रेज आईएएस और आईपीएस आके बैठ गया है। एक है आईएएस को मैं कहता हूं दुर्योधन, अच्छा ठीक है जी, वो दुर्योधन है जी, वो जो है सर्वनाश करने के लिए पैदा हुआ है जी। क्यों? क्योंकि देखिए आप अपनी जो है आप अपने जड़ों से दूर नहीं जा सकते। आईएएस क्या था? कलेक्टर था, उसका काम था निचोड़ लेना, लगान कलेक्ट करना जी। लाखों लोग, करोड़ों लोग भुखमरी से मरे, उससे कोई लेना देना नहीं था जी। हम ये भूल जाते हैं, हम तो जाके हाथ जोड़ते हैं आईएएस जी, बिल्कुल। आईएएस को तो भिरा के जूता मुंह पे लगाना चाहिए जी। अगर आईएएस क्या है, वो तो सीएम को, डीएम सीएम को जवाब देता है, उसको मतलब नहीं है जनता मरे जी। वो क्या करेगा, वो जो है जाएगा किसी जिले में, मान लें राजस्थान का कोई जिला, मान लीजिए पाली जाएगा, फिर वो जब आएगा जयपुर में रिटायर होकर, या तो जयपुर रहेगा या दिल्ली, अगर सेंट्रल डेपुटेशन जाएगा तो दिल्ली, नहीं तो जयपुर, फिर बोलेगा बिल्कुल गोरे साहब के तरह, जब मैं पाली था मैंने उन जानवरों को सुधार दिया, मैं डीएम था मैंने ये बदला वो बदला, मैंने जिले का नक्शा बदल दिया। मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं यार मैं भी बूढ़ा हो गया, टकला हो गया, 20 क्या 30, अब तो 30 साल हो गए, 17 साल से मैं घर से भागा था, 33 साल हो गए मुझे भारत भ्रमण करते हुए, मैंने तो ऐसा कोई जिला बदलते नहीं देखा जी, बिल्कुल। और ये इसका काम काम खड़ना नहीं, काम खड़ाना है, ये बात कौन कह गए भाई, नृपेन्द्र मिश्रा जैसे दिग्गज। तो ये मदमस्त हाथी हैं, आईपीएस भी वैसे ही है, एक दिन जो है इंटेलिजेंस, दूसरे दिन इन्वेस्टिगेशन, तीसरे दिन पैरामिलिट्री, कोई तुक है इस सिस्टम का? ये तो गोरों का बनाया हुआ कॉलोनियल सिस्टम है, एक परीक्षा से आप सारी नौकरियों की जो है का चुनाव कर रहे हैं, का चयन कर रहे हैं, तो आप जो है रेवेन्यू में उसको भेज देते हैं जिसको आंकड़े से चिढ़ है, पुलिस में उसको भेज देते हैं जो कि हलवाई लगता है जी, और फॉरेन सर्विस में उसको भेज देते हैं जिससे बोला नहीं जाता है जी। मतलब ये क्या कर रखे, वो है ना एक मजा की, क्या हाल बना रखा है जी। कुछ लेते क्यों नहीं कुछ देते क्यों नहीं देखिए ये तो पूरा आईएएस के लिए ही देश बना है, बाकी सब उनका जूता चमकाने के लिए पैदा हुए हैं। नेता भी जी। दो चार बड़े नेताओं के पास पावर है, देश चलाता है आईएएस जी, बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट। तो उन्होंने ये तो बना रखा है विदेश भ्रमण के लिए, पुराना खेल है, पहले अंग्रेजों ने खेला जी, फ्रेंच ने यही खेल खेला, सोवियत रूस ने ये खेल खेला हमारे साथ। वो आपका अंग्रेजी में कहेंगे दे डिफाइन द एनवलप ऑफ योर थॉट, क्या आपकी सोच की का दायरा का लिफाफा वो तय करते, उससे आगे आप देख नहीं पाए, उससे आगे आप देख नहीं पाए, और वो आपके निजी हित जी को पूरा करके आपको अपने ही राष्ट्र का विरोधी बना देते हैं। तो जितना देश का बंटाधार आईएएस ने किया है जी, किसी और ने नहीं किया है। ये मतलब खलनायक ही नहीं है, सबसे बड़े खलनायक दुर्योधन और दुशासन, आईपीएस और दुशासन दोनों खलनायक हैं, दोनों कॉलोनियल पावर के, कॉलोनियल सिस्टम के जो है उपज हैं। नौकरी कर रहा था नागालैंड में, मैं देख रहा था सारे अच्छे लेख तो गोरों के, अंग्रेजों के, मैं कह रहा था कि मैंने सोचा यार 47 के बाद हमारे लोग क्या कर रहे थे जी, कौन लिख रहा था, यार मुझे जो है सीखना है इन लोगों से जिन लोगों ने दुनिया पे राज किया कि सियासत कैसे की जाती है। लंदन में तो चीफ कांस्टेबल है जी, बॉबी हाँ नहीं
कांस्टेबल शुरू करते हैं आप एकदम ऊपर तक जाते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। चीफ कांस्टेबल होता है जी, वो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा या बंदी होती है जी। हमारे यहाँ सुपरिंटेंडेंट है जी, काहे साहब बन रहे हैं आप। एक परीक्षा जो आप लेते हैं, एक परीक्षा जवानी में, उसके बाद आप आजीवन राजा हैं। बिल्कुल सर। तो और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैंने सोचा कि यार मैं गोरों के बनाए हुए सिस्टम में चंपू नहीं बन के रहूंगा जी। इतना तो दिमाग है कि मैं बाहर निकल के आजादी से, स्वेच्छा से, स्वच्छंदता से चिंतन करूंगा। तो जैसा आप बताते हैं सर, इंडियन सिविल सर्विस वाला हमारा वहां धार नहीं देते हैं। जिस दिन नौकरी में लोग सेलेक्ट होते हैं उस दिन रख देते हैं गांडी, उस दिन गांडी रख देते हैं और तलवार में जंग आने लगती है। फिर वो बाल पकड़ के द्रौपदी को लाना, कितने काम ही यही है द्रौपदी का बाल पकड़ के लाओ, चीर हरण करो, यही काम है।